हेलो, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देखा था, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा था, है ना। तो उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल कर लेते हैं, वो छूट गया था, कॉमन रूट्स का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी उसके लिए पढ़ लो। दैट सपोज दैट द टू इक्वेशंस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट अल्फा। मतलब इसका कोई कॉमन रूट है अल्फा। ठीक है, तो इस पे सीधा आ जाओ। तो अगर एक कॉमन रूट है ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन कैसा आया? सिंपल है, दोनों में क्या किया ना, अल्फा 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 वो कराया, सेटिस्फाई कराया। अगर मैं इसको फिर से लिख दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन में ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर दो इस इक्वेशन में से, मतलब घटा के, मतलब इसको ए टू से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पूरे को, और इसको ए वन से मल्टीप्लाई करना, और फिर दोनों को घटा देना, तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन अल्फा वाला टर्म बचेगा, तो अल्फा आपका ये आ जाएगा, ये जो लिखा है। सिमिलरली आप जब अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो इसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो आप जब इक्वालिटी होल्ड करवाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप इस रिजल्ट पे आएंगे, ये जो येल्लो कलर से लिखा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब एक कॉमन रूट हो। अच्छा, दो कॉमन रूट के लिए एक कंडीशन है, ये तो हमें पता ही है। मतलब ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, इसके अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, और दूसरा इक्वेशन इसके भी अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो जो कोफिशियंट है उनका रेशियो सेम होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो इस इक्वेशन को तुम ऐसा लिख सकते हो, ए वन बाहर और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, ए टू इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए वन एक्स स्क्वायर माइनस ए वन एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस ए वन अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए टू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस ए टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब तुम देखो, ए टू तो है इस टर्म को, ए टू इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको इन लोगों ने बी टू बोल रखा है, क्योंकि ये इक्वेशन है ना ये, और इस पूरी टर्म को सी टू बोल रखा है। सिमिलरली इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को इन्होंने बी वन बोल रखा है और इसको सी वन बोल रखा है। तो जब तुम रेशियो लोगे ना, तो ए वन बाय ए टू के बराबर ही आएगा सारे रेशियो। तो वही है, ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर दोनों रूट कॉमन हो, तो ये कंडीशन होता है, और एक रूट के लिए तो है ही ये डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर। कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो पहला सवाल पढ़ो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, गिवन दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो जो पहली इक्वेशन है, देखो माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, इसका डी देखो, डिस्क्रिमिनेंट देखो इसको, इसका 16 माइनस 20 है ना, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे और किसमें अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। अगर इसके कहने का मतलब, अगर एक रूट अल्फा मान लिया मैंने, ए प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, बीटा ए माइनस आयोटा बीटा होगा। ए बी मतलब ए बी उन्होंने यूटिलाइज कर रखा है पहले, पी पी क्यू ले लो, पी प्लस आयोटा क्यू एक रूट होगा, तो दूसरा रूट क्या होगा, पी माइनस आयोटा क्यू, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका एक रूट मैंने मान लिया पी प्लस आयोटा क्यू है, एक रूट मतलब बोला है ना उन्होंने एक कॉमन रूट है, तो मैंने मान लिया एक रूट ये होगा पी प्लस आयोटा क्यू, इसका एक रूट होगा कॉमन रूट, तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, दूसरा भी तो पी माइनस आयोटा क्यू होगा ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, है ना। इससे क्या समझ आ रहा है, दोनों रूट कॉमन होंगे इसमें, ठीक है। तो अब वो लगा दो, दोनों रूट अगर कॉमन होंगे तो कोफिशेंट का रेशियो सेम होगा, है ना। तो अब लगा दो, वन यहाँ पे लिखा है, तो वन बाय वन इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन ए इज इक्वल टू फाइव अपॉन बी, तो यहाँ पे आपको ए बराबर माइनस फोर आ जाएगा और बी आपके पास फाइव आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, देन पहली इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फोर सी स्क्वायर माइनस फोर, है ना, ये डी है इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फोर कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी अगर साइड्स हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है किसी भी ट्रायंगल में, मतलब सी माइनस ए प्लस बी क्या है, नेगेटिव है ना। अब देखो फोर पॉजिटिव है, ए प्लस बी प्लस सी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, तो इसका अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, पी माइनस आयोटा क्यू, है ना, क्योंकि कोफिशियंट्स भी रियल है, ऐसा नहीं है कि कोफिशियंट इरेशनल है या इमेजिनरी है, कोफिशियंट रियल है ना ए बी सी, तो ऐसा होगा एक रूट अगर पी प्लस आयोटा की होगा तो दूसरा रूट पी माइनस आयोटा की होगा। अब दूसरे इक्वेशन में देखो, दूसरे इक्वेशन में भी कोफिशियंट सब रियल है, और अगर एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट अगर कॉमन है तो दूसरा भी तो कॉन्जुगेट पेयर में ही अकर करेगा ना, तो वही पिछले सवाल जैसा हो गया ये, तो कि अब कोफिशियंट जो है वो करवा दो मैच, तो कोफिशियंट मैच करवा दिया, तो वन अपॉन सी एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का रेशियो अपॉन माइनस टू सी अपॉन माइनस टू, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से सी आपके पास प्लस माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी नेगेटिव नहीं हो सकता, साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया है ना, सी वन हो गया, हाँ, तो सी का वैल्यू वन आ गया था, है ना, सी का वैल्यू अगर वन आ गया तो यहाँ पे वन रख दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर चार आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू टू हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि ए प्लस बी टू सी के बराबर है ना, सी वन है और ए प्लस बी टू है तो टू सी, ठीक है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखो, सी अगर वन है तो अगर इक्वलेटरल ट्रायंगल होना है तो ए को भी वन होना पड़ेगा और बी को भी वन होना पड़ेगा ना, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बिलोंग टू वन से रूट टू, मतलब ए का वैल्यू वन से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अगर ए का वैल्यू वन से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बी का वैल्यू वन से थोड़ा कम होना पड़ेगा, है ना, तो इक्वलेटरल तो हो नहीं सकता अगर ए इस इंटरवल में आ गया, तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट ईदर बी प्लस सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। तो कॉमन रूट है तो मैं मान लेता हूँ अल्फा कॉमन रूट रहा होगा, ठीक है, या वो मत करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दे रखा है और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन दे रखा है ना। कॉमन रूट है तो वो डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन लगा दो। यहाँ मैंने लिखा है, इसको लिखो वन बी, यहाँ लिखो बी सी, बी सी डिटर्मिनेंट इनटू, फिर से डिटर्मिनेंट बी सी सी वन इज इक्वल टू सी वन वन बी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये सी माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बी सी माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ये कैंसिल, आपके पास ये रिलेशन आ गया, सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वन माइनस थ्री बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब तुमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो अब यही एक्सपेंशन इसमें लगाओ, बी सी और वन में। तो आप इसको लिख सकते हो वन प्लस बी प्लस सी इंटू सम ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन माइनस टेकन टू एट अ टाइम। अब क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, है ना। तो आपका प्रूफ हो गया, इधर ये जीरो या ये, वही लिखा है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट पी कॉमा क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड पी कॉमा आर बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यू एंड आर। अच्छा, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट मैं एक मान लेता हूँ, मतलब, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका कॉमन रूट मैं मान लेता हूँ अल्फा। मैंने दोनों में अल्फा रखा तो ऊपर वाले में अल्फा रखो तो ये बनेगा, नीचे वाले में अल्फा रखो तो ये बनेगा, दोनों को घटा दो, ठीक है। घटाने से क्या होगा ना, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन देनी चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट है सॉल्यूशन की, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन की, बी नॉट इक्वल टू सी, ये नोट कर लेना। तो जब आप घटाएंगे इसमें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी माइनस सी आप उड़ा सकते हैं क्योंकि वो इक्वल नहीं है, तो अल्फा वन आ गया। तो एक कॉमन रूट यहाँ पे आपके पास अल्फा इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है, मतलब एक रूट वन है इसका। तो इस इक्वेशन में वन पुट करो तो वन प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, अल्फा को पी ही एक तरह से माना है, देखो मैंने कॉमन रूट अल्फा माना था ना, और यहाँ पे दे रखा है पी कॉमा क्यू रूट है और पी कॉमा आर रूट है, तो जो अल्फा मैंने कॉमन रूट माना माना वो पी ही है, ठीक है, तो पी आपके पास वन आया है, ठीक है। अच्छा, पहली इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स क्या हैं, पी और क्यू, और पी तो हमने वन निकाल दिया तो पी और क्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो वन इंटू क्यू क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सी इक्वल टू क्यू आ गया। दूसरे इक्वेशन में देखो, दूसरे दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं, पी जो कि वन है और आर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो तो वन इंटू आर बी आ गया, तो यहाँ बी आपके पास आर आ गया, है ना। तो आपके पास क्यू का भी वैल्यू है और आर का भी वैल्यू है, सी और बी रिस्पेक्टिवली। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्यू एंड आर है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर एक्स
प्लस क्यू आर है ना इज इक्वल टू जीरो। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बी प्लस सी, एक्स प्लस क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ बी सी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस वन लिख सकता हूँ, तो माइनस वन रखो प्लस बी सी। ये क्वाड्रेटिक आपके पास तैयार है जिसके रूट्स हैं क्यू एन आर, ठीक है ये आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तुम ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन एक तरह से सेम लिखा है, बस ए और बी को इंटरचेंज किया, मतलब ए के जगह बी को रिप्लेस किया, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसका एक कॉमन रूट है ना। तो पहली इक्वेशन को देखो, पहला इक्वेशन ये लिखा है, मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसी क्वाड्रेटिक दी हो जिसमें पैरामीटर भी हो, तो आप क्या करें पैरामीटर वाला क्वाड्रेटिक को आप अलग कर लीजिए और जो बाकी बची हुई क्वाड्रेटिक है उसको अलग कर दीजिए। तो उससे एक तरीका होता है ये सॉल्व करने का, उससे कुछ कुछ सवाल टैकल हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे हमने ट्राई करके देखा। तो ए के साथ जो क्वाड्रेटिक है ना उनको मैंने लिख लिया साथ में, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मैंने बस रीअरेंज किया है। अब अगर मैं प्लस वन कर दूँ दोनों जगह तो ये एक बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बनाने के लिए मैंने प्लस वन किया, यहाँ पे आप उसको वैसा ही लिख लीजिए, इसको ए प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ये बराबर है। ए एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस ए, और इसको लिख लो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए बराबर हो गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस टू, कुछ नहीं किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाया। एक्स माइनस ए कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए एक्स माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपके पास एक्स या तो ए आएगा या एक्स बराबर ए प्लस टू अपॉन ए माइनस वन आएगा। अब सिमिलरली आप जब ये चीज़ दूसरे इक्वेशन के लिए करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू बी आएगा या x इज इक्वल टू बी प्लस टू अपॉन बी माइनस वन आएगा, है ना सेम इक्वेशन है ना, आप बस a और b को रिप्लेस किया है, ठीक है इतना। अब उसने बोला कॉमन रूट है, ठीक है तो या तो a बराबर b होगा जो कि हो नहीं सकता क्योंकि a b r डिस्टिंक्ट दिया है, तो या तो a इसके बराबर होगा या b इसके बराबर होगा, तो दो केस बनेंगे। लेकिन क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो वो दोनों केस में सेम वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो a और b का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है मान लिया कुछ वैल्यू आया। अब केस टू जब आप इनके लिए सॉल्व करेंगे ना तब भी वैल्यू सेम आएगा लेकिन इंटरचेंज होके आएगा, ठीक है। तो आप किसी के लिए एक के लिए भी आप सॉल्व कर लीजिए, वो दूसरे के लिए भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और हाँ एक केस तो एक और केस कि ये दोनों बराबर हो जाएं, जो कि अगेन गलत है क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आप a इज इक्वल टू बी आ जाएगा उससे, ठीक है तो भी हो नहीं सकता। तो हमारे पास यही बनता है कि a बराबर बी प्लस टू अपॉन बी माइनस वन, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे a बराबर बी प्लस टू अपॉन बी माइनस वन। मैंने बताया था जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में बनाने का कोशिश किया करो, तो मैंने न्यूमरेटर को ऐसा लिख लिया तो आ गया थ्री अपॉन बी माइनस वन प्लस वन, ए बराबर थ्री अपॉन बी माइनस वन प्लस वन। अब देखो ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, वन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ए एक इंटीजर है तो इतने पार्ट को भी इंटीजर होना पड़ेगा, है ना सही बोल रहा हूँ ना। तो अब इसमें कंडीशन लगाओ कि b को ऐसा तुम क्या क्या रखो, और हाँ पॉजिटिव रखना है b को क्या क्या रखो कि a एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। तो देखो b को मैं क्या लिख सक रख सकता हूँ, वन रख सकता हूँ क्या, नहीं
टू रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। थ्री रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। फोर रख सकता हूँ, हाँ फोर रख सकता हूँ। फाइव सिक्स ये सब नहीं रख सकता। यही दो केस बने, ठीक है। तो अब बस वेन बी इज इक्वल टू टू, ए कितना आ गया, चार आ गया, टू रखी है तो चार आ जाएगा, और जब बी बराबर चार होगा तब ए टू आ जाएगा। दोनों ही केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एवरी पेयर फ्रॉम द सेट ऑफ थ्री इक्वेशन गिवेन बिलो हैव ओनली वन कॉमन रूट, देन फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन के रूट्स मान लिया अल्फा कॉमा एक्स वन, दूसरी इक्वेशन के रूट्स मान लिया अल्फा कॉमा एक्स टू, क्योंकि कॉमन रूट करना है। तीसरे का मैं मान लेता हूँ अल्फा कॉमा एक्स थ्री, ठीक है। हर पेयर में कॉमन रूट है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में आप सेटिस्फाई कराएं अल्फा को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 बराबर 0 आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस, और तीसरा इक्वेशन में भी पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस 36 बराबर 0। अब क्या करो, अल्फा को एलिमिनेट करो, ठीक है। अल्फा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, पहली दो को जोड़ दो, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस 27 बराबर 0 आ गया। और अब तीसरे को इसके नीचे लिखो और अब घटा दो, तो अल्फा स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा आपके पास आ गया, अब तो हो जाएगा केस वन, अल्फा इज इक्वल टू 3। जब अल्फा 3 है, पुट करो पहली इक्वेशन में, तो 9 प्लस 3 है प्लस 12 बराबर 0, यहाँ से ए आपके पास माइनस 7 आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन में जब आप 3 पुट करेंगे, तो 9 प्लस 3b प्लस 15 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ पे b आपके पास माइनस 8 आ जाएगा। केस टू, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, पुट करो पहली इक्वेशन में, तो 9 माइनस 3a प्लस 12 बराबर 0 आ जाएगा, तो a आपके पास 7 आ गया। दूसरी इक्वेशन में पुट करो b निकालने के लिए, तो 9 माइनस 3b प्लस 15 बराबर 0, बी आपके पास 8 आ गया। तो ए और बी के दो वैल्यू आएंगे, दो पेयर आएंगे, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हैव टू कॉमन रूट्स वेयर पी कॉमा क्यू एंड आर ऑल रियल नंबर्स, इफ देयर अनकॉमन रूट्स आर रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन हमें सही ऑप्शन टिक करना है। अच्छा, दो कॉमन रूट है ना, तो मैं दो कॉमन रूट मान लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। लिख लो पहले, तो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और ये एक और इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा डेल्टा। मैंने दो कॉमन रूट माने अल्फा और बीटा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई कराओ, दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, तो ये बनेगा। पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ तो ये बनेगा, घटा दो दोनों को, तो उससे क्या होगा, टू अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर आ जाएगा आपके पास बराबर 0। सेम आपके बीटा के लिए भी रिलेशन आएगा। तो इनको क्या मैं देख के नहीं बोल सकता कि अगर एक क्वाड्रेटिक हो ऐसा, 2x² माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा, मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने क्वाड्रेटिक मान ली 2x² माइनस क्यू प्लस आर, जिसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से हमको क्या नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। अब सॉल्व करते रहो। पहली इक्वेशन में देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस 4 है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो गामा आपके पास माइनस 4 आ गया, ठीक है। ये एक रिलेशन। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा कितना है, देखो दूसरे इक्वेशन में देखो माइनस 6 है, तो यहाँ से डेल्टा आपके पास माइनस 6 आ गया। अनकॉमन रूट जो इसने बोला है, अनकॉमन रूट गामा और डेल्टा ही तो है, तो अनकॉमन रूट माइनस 4 और माइनस 6 आ गया।
तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स -4 और -6 है, वो उसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0, है ना। लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 बराबर 0। ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अनकॉमन है, अनकॉमन रूट्स इसके रूट्स हैं। तो इसको इससे कंपैरिजन कर दो इसका, तो यहाँ से आपके पास a 5 आ जाएगा और b 3 आ जाएगा, तो a प्लस c आपके पास 8 आ गया। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों पे कमेंट करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में क्या करो तुम, हाँ, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम करो। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा? माइनस पी होगा, सॉरी प्लस पी होगा। अल्फा बीटा प्लस गामा यहाँ से कॉमन, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी हो गया। तो अल्फा बीटा यहाँ पे आपके पास पी आ गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में देखो, अल्फा बीटा गामा क्या है? माइनस क्यू है ना। अल्फा बीटा पी रख दिया और गामा को -4 रख दिया, तो 4p बराबर क्यू, ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये एक रिलेशन आया, ठीक है। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में देखो, अल्फा बीटा इंटू डेल्टा क्या है? माइनस आर के बराबर है। अल्फा बीटा को मैंने पी रख दिया और डेल्टा को मैंने -6 रख दिया, यहाँ पे आया ना -6 इज इक्वल टू आर, तो ये भी रिलेशन हमारे पास आ गया, है ना। तो अब देखो, सही ऑप्शन टिक करो। 3q बराबर 2r, और 3r और p, देखो 3r बराबर 2p तो नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करना है, क्यू और आर को रिलेट करना है ना, ठीक है। तो 12p को मैं 2r लिख सकता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है, और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 12p बराबर 3q आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 12p के बराबर हैं, तो 2r बराबर 3q आ गया, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ए सी इसके आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सपोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इज डिविजिबल बाय बोथ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है, वेर ए बी कॉमा पी कॉमा क्यू आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्यूबिक दे रखा है, ठीक है, डिविजिबल बाय बोथ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए आर फैक्टर्स, है ना, क्योंकि डिविजिबल है। फैक्टर्स का क्या मतलब है? अगर इसके रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके भी रूट होंगे अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि फैक्टर है ना। मान लो इसके रूट अगर गामा डेल्टा हो गए, तो इसके रूट भी होंगे गामा और डेल्टा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इनके चारों रूट अलग अलग हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो इस क्यूबिक के फिर चार रूट हो जाएंगे, और क्यूबिक के चार रूट तो हो नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब है? एक कॉमन रूट होना पड़ेगा इन दोनों में। तो इसका एक कॉमन रूट अल्फा मान लेता हूँ और दूसरा गामा। समझ आया ना मैं क्या बोला अभी? क्योंकि फैक्टर है, तो इसके जो रूट है वो इसके रूट होंगे, और वो चारों अलग हो नहीं सकते, नहीं तो इसके चार रूट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके इसका एक कॉमन रूट होगा इन दोनों के बीच। तो मान लेता हूं अल्फा एक कॉमन रूट है, पहले में पुट करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 आ गया। दूसरे में पुट करो और अब घटा दो, तो ए माइनस बी इंटू अल्फा आ गया इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आप ए माइनस बी को उड़ा सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी ए नॉट इक्वल टू बी भी है, तो अल्फा आपके पास 1 आ गया। हाँ, तो अब आपके पास अल्फा 1 आ गया था, ठीक है। तो इसमें अल्फा सेटिस्फाई कराओ, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 रखो, तो
ए प्लस बी प्लस वन जीरो आ गया ना आपके पास, ठीक है। अच्छा इसका अल्फा कॉमा बीटा रूट था, इसका अल्फा कॉमा गामा, तो इसके रूट्स क्या होंगे? ऐसे होंगे ना अल्फा बीटा और ये, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एफ एक्स है ना, एफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स ये दे रखा है, इसको अभी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो, अल्फा वन आया, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके रूट्स क्या क्या है, इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स है, एक तो वन है, अल्फा इज इक्वल टू वन, और दूसरा बीटा है, बीटा इंटू वन क्या है, बी है ना, तो बीटा बी आ गया। सिमिलरली गामा ए के बराबर आ जाएगा, गामा बराबर ए आ जाएगा। इसके जो रूट्स थे क्यूबिक के, अल्फा कॉमा गामा, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके रूट्स ए कॉमा बी कॉमा वन लिख सकता हूँ ना। तो ये जो एफ एक्स है, क्या मैं एफ एक्स को ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये लिख सकता हूँ ना। और हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें ये चाहिए। ये कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस वन, माइनस टू टाइम्स ऑफ, टेकन टू एट अ टाइम, ए बी माइनस बी, सॉरी प्लस बी प्लस ए, है ना। अब देखो ए प्लस बी प्लस वन तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया, जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ, ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं है। अच्छा तुम देखो एफ एक्स में कांस्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी है ना, कांस्टेंट टर्म बता रहा हूँ मैं। कांस्टेंट टर्म कैसे क्रिएट होगा, जब ये वन जो है माइनस वन, माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी आएगा ना। माइनस ए बी किसके बराबर है, 72, मतलब 72 के बराबर, तो ए बी आपके पास 72 आ गया, नेगेटिव ऑफ 72, तो ए बी रख दो, -72 है ना। और ए प्लस बी क्या दे रखा है आपको, ए प्लस बी भी -1 के बराबर है, ए प्लस बी यहाँ से तुम लिख सकते हो ना, -1 यहाँ से इस रिलेशन से, तो आ गया। तो आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 146 आ गया, यही हमें चाहिए था, तो 146 आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स अल्फा लेस देन इक्वल टू जीरो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है। मैंने मान लिया एफ एक्स, पहले वाले को एफ एक्स मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा, जी एक्स मान लेता हूँ दूसरे वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स अल्फा, ठीक है ये। अच्छा लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा है ना, और यूनिक सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है। देखो एफ एक्स का ग्राफ मैंने मान लिया ऐसा बनेगा, ठीक है, मान लिया मैंने ऐसा बनेगा, मान लो एक्स वन पे कट किया और एक्स टू पे कट किया, तो जब तुम सॉल्व करोगे इस इनइक्वालिटी को, तो तुम्हारा डिजायर्ड सॉल्यूशन क्या है, वो एक्स जिनके लिए एफ एक्स नेगेटिव हो, तो वो एक्स जिनके लिए एफ एक्स नेगेटिव है वो कौन कौन से एक्स है, वो ये सारे एक्स है ना। क्योंकि देखो इन एक्स के लिए जो मैं हेजिंग कर रहा हूँ, इन एक्स के लिए एफ एक्स देखो नेगेटिव जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है ना वो, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लोज एक्स वन से एक्स टू, क्लोज इसलिए किया है क्योंकि इक्वालिटी भी है। अच्छा और जी एक्स का भी ग्राफ मैंने मान लिया कुछ ऐसा बना, x3 से x4, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी एक्स x3 से x4। अब देखो क्योंकि उसने बोला यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो तुम खुद सोचो कि ऐसा कौन सा ग्राफ बन सकता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो तुम अगर थोड़ा सोचो तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल होना चाहिए ना, ऐसा
ये मान लो एफ एक्स का ग्राफ है और ये जी एक्स का ग्राफ है, एक्स वन और ये एक्स टू और ये एक्स थ्री। तो जब तुम एफ एक्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स मिलेगा एक्स वन से एक्स टू, और जब जी एक्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स टू से एक्स थ्री। अब क्योंकि अब तुम दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो तुमको सिंगलटन सेट मिल जाएगा जो कि होगा एक्स टू। ये तो ये ग्राफ डिजायर्ड है ना, तो ये केस हमारा वैलिड है। और वो उस केस को तुम ध्यान से अगर देखोगे ग्राफ्स को तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि वो तो एक कॉमन रूट का कंडीशन है। देखो ना, ये कॉमन रूट है ना ये वाला चीज़, तो बस लगा दो ये चीज़ कि कॉमन रूट हो दोनों का, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स का मैं मान लेता हूँ कॉमन रूट है ना। लेट के बी दी कॉमन रूट, ठीक है। तो के सेटिस्फाई करो तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस अल्फा बराबर 0 आ गया, और के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 6 अल्फा बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, तुम k निकाल लो। k निकालने के लिए ना अल्फा को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा को एलिमिनेट करो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 और ये 6 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो 7k² प्लस 8k, जोड़ा है इक्वल टू 0, तो k 7k प्लस 8 बराबर 0 आ गया। तो k आपके पास 0 आ गया या -8/7 आ गया, ठीक है। अच्छा, k की दो वैल्यू आ गई, अब केस बन जाएंगे। केस वन, के बराबर 0, अगर के 0 है तो एफ एक्स में के इज इक्वल टू 0 पुट करो तो अल्फा 0 आ जाएगा ना, और अगर अल्फा 0 आ गया तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स ये आ जाएगा, और जी एक्स क्या आ जाएगा, जी एक्स ये आ जाएगा। अब जब तुम ग्राफ देखो तो -2 कहीं यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ होगा, तो एफ एक्स का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये 0 पे कट किया, और जी एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो देखो एक सॉल्यूशन मिल गया ना, सिंगलटन सेट ही है। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 इज अ डिजायर्ड केस है ना, ये हो गया। चलो ठीक है, केस टू, के बराबर -8/7 है ना, -8/7 नहीं है, ठीक है। तो के अगर -8/7 है तो अब अल्फा निकालो, तो पहली इक्वेशन में रख दो, ठीक है, पहली इक्वेशन में रख दो के -8/7। तो जब पहली इक्वेशन में रखोगे एफ ऑफ के तो कितना आ जाएगा, 64/49 -16/7, सही कर रहा हूँ ना, प्लस अल्फा, और क्योंकि क्योंकि ये एक रूट है, क्योंकि के कॉमन रूट बोला ना, रूट बोला ना, तो ये बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये कुछ आ गया था, ठीक है। तो अब तो अल्फा आपके पास आ गया 16/7 -64/49, ठीक है। तो एलसीएम 49 आ गया, ये हो जाएगा 112 -64 48, 48/49 आपका अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा तो अल्फा मैं लिख लेता हूँ 48/49, ठीक है, यहीं लिख लेता हूँ जगह बना। ठीक है, इतना ठीक है। तो एफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 48/49 है ना।
तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको। इसका ग्राफ खींचने से अच्छा है तुम इसके रूट देखो। इसका एक रूट तो -8/7 है, दूसरा रूट क्या होगा? 6/7 होगा ना, -6/7 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, एक रूट -8/7 तो है, ठीक है, दूसरा रूट -6/7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट 48/49 बनाना है ना। मैं बोल रहा हूं कि एक रूट इसका -8/7 हमें पता है, दूसरा रूट कैसे निकाला? प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 48/49 है, तो दूसरा रूट -6/7 रहा होगा, है ना। सिमिलरली आप जी एक्स में देखें, जी एक्स है x² - 4x -6 × 48, 300 - 12, 288/49, ठीक है। एक अगर -8/7 है तो दूसरा क्या होगा, कितने से जाएगा? 3 × 3 = 6, 36/7, दूसरा रूट 36/7 होगा। तो जब तुम एफ एक्स का ग्राफ खींचोगे, -8/7 का यहाँ लाया करेगा, -6/7 में मान लिया यहाँ लाया करेगा, 36/7 यहाँ लाया करेगा। तो जब आप एफ एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो एफ एक्स का ग्राफ तो आपके पास आ गया ही है। जी एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? जी एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, या तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से जहाँ से भी आए फर्क नहीं पड़ता। मान लिया यहाँ से आया जी एक्स का ग्राफ, ये जी एक्स आ रहा है, -8/7 पे कट किया, ठीक है, नीचे गया नीचे गया, और -36/7 पे कट किया, ठीक है। अब आप देखें यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इतने सारे एक्स एक्सेप्टेबल है ना। देखो जब तुम इसके लिए सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, तो यहाँ से एक्स आपके पास आ जाएगा -8/7 से 36/7, और इसके लिए जब इनइक्वालिटी वो वाली सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -8/7 से -6/7। दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया, तो ये पूरा सेट आ जाएगा ना। और ये तो यूनिक है नहीं, ये सारे एक्स यूनिक थोड़ी है, बहुत सारे एक्स है, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 48/49 गलत है, ठीक है, ये एक बात हो गया, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, कोई और ग्राफ पॉसिबल है क्या जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन आए? सोचो, उसका आंसर है पॉसिबल है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये जी एक्स का ग्राफ हो गया और ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया। मान लो x1 x2 पे कट किया और ये x3 पे टच किया, बस टच करके गया है। तो जब जी एक्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x1 से x2, और जब एफ एक्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ x3 आएगा। अब क्योंकि x3 इसमें भी है, तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सिंगलटन सेट आ जाएगा। तो ये केस भी डिजायर्ड है, ठीक है, तो बस ये भी कर दो। ठीक है, तो एफ एक्स का ऐसा ग्राफ कब बनेगा? एफ एक्स मैं वापस लिख लेता हूँ, x² + 2x + अल्फा। एफ एक्स है x² + 2x + अल्फा, और जी एक्स था x² - 4x - 6 अल्फा, यही था ना। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स ये आ गया। एफ एक्स का ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब डी 0 होगा एफ एक्स का। डी देखो, डी ऑफ एफ लिखाई है मैंने, है ना, तो ये आ जाएगा b² - 4ac = 0, तो α = 1 आ गया। तो एफ एक्स जब α 1 है, एफ एक्स आपका क्या आ गया? x+1 का होल स्क्वायर आ गया, और जी एक्स क्या आ गया आपके पास? x² - 4x - 6, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी लिख सकते हो कुछ होगा। तो जब आप एफ एक्स का ग्राफ खींचोगे तो एफ एक्स का ग्राफ तो ऐसा आ गया, x = -1 है। जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो g(-1), देखो g(-1) पे कितना आउटपुट दे रहा है, -1 पे -1 दे रहा, मतलब नीचे रहा होगा जी एक्स,
जी एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा, मुझे पता नहीं कैसा ऐसा बना होगा। अब तुम देखो, सिंगलटन सेट ही आया ना एक सॉल्यूशन, यही तो एक सॉल्यूशन है। तो अल्फा इज इक्वल टू वन भी एक डिजायर्ड केस है। एक और केस पॉसिबल है क्या, जी एक्स का ये ग्राफ बन जाए और एफ एक्स का ऐसा ग्राफ बन जाए। तो जी एक्स का अगर ऐसा ग्राफ बनवाना है ऐसा, तो जी एक्स का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी क्या है? हाँ, ये है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी। इसको जीरो कर देते हैं, अल्फा -2/3 आ गया। ठीक है, तो अल्फा जब -2/3 है तो उस पर एफ एक्स क्या आ जाएगा, x² + 2x प्लस अल्फा -2/3, ये एफ एक्स है। देखो जी एक्स का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, है ना। जी एक्स को भी एक बार लिख ही लेते हैं। जी एक्स बन जाएगा x² - 6 - 4 अल्फा -6 12 4 + 4, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा जी एक्स। तो ये x = 2 है, ये जी एक्स का ग्राफ हमने बना दिया। अब f(2) कितना है, 2 पे f का वैल्यू क्या है, 8 - 2/3 कुछ पॉजिटिव है, तो f यहाँ रहा होगा। ठीक है, अब f का ग्राफ या तो कुछ ऐसा बना होगा, या कुछ ऐसा बना होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव है, तुम खुद देखो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है ना। एक सॉल्यूशन आता 2, लेकिन वो तो कंटेन ही नहीं कर रहा है ना। देखो 2 पे अगर पॉजिटिव आ गया वैल्यू, तो 2 पे ग्राफ ऊपर से नीचे आया होगा, तो कहीं और कट करेगा, तो कोई सॉल्यूशन ही यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस केस में, तो अल्फा इज इक्वल टू -2/3 ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा की आपके पास दो ही वैल्यू आई, 0 और 1। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में देखा था, और अभी हमने कॉमन रूट्स का एक आर्टिकल ख़त्म किया। तो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कुछ। ठीक है, पहला सवाल पढ़ो। इफ़ के बिलोंग टू आर एन, अल्फा कॉमा बीटा रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ α² + β² अच्छा ठीक है, तो α² + β² को मैं लिख सकता हूँ ना, α + β का होल स्क्वायर -2α β। अब α + β क्या है, k - 2 है, इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ α β क्या है, ये चीज़ है। तो सिंपलीफाई करो तो k² - k² -4 k - 1 मिनट -4 k - 10 k। ठीक है, और ये कितना आ गया, 4 - 10 - 6, ये हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो k - 5 का होल स्क्वायर 6 19। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, α² + β² को। अब देखो k-5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 19 में से कुछ भी पॉजिटिव घटाओगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमको मैक्सिमम चाहिए, अगर मैक्सिमम चाहिए 19 - k - 5 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो तुम 19 में से जितना कम घटाओगे उतना अच्छा है। सबसे कम तुम क्या घटा सकते हो, 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा ना, ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, देखो उसने दे रखा ना अल्फा कॉमा बीटा आर रियल रूट्स। ऐसा भी तो हो सकता है, देखो तुम क्या कह रहे हो कि 19 मैक्सिमम है, 19 मैक्सिमम कब ऑकर करेगा, के इज इक्वल टू 5 पे ऑकर करेगा, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब तुम के इज इक्वल टू 5 रखो तो इसके रियल रूट ही ना आए, यहाँ दे रखा है ना रियल रूट भी है,
तो तुमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके रियल रूट हो। उसके लिए तुमको इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ये, है ना? और क्योंकि रियल रूट्स हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 20, ठीक है? तो 3 के स्क्वायर के हो गया प्लस 16 के, ये हो गया, ये कितना हो गया माइनस 16 प्लस 16, ठीक है? स्प्लिट कर लो अब, और क्या? तो यहाँ से 3 के आएगा, और ये 3 के प्लस 4, और ये के प्लस 4, ठीक है? तो यहाँ से के का इंटरवल क्या आ गया, छोटे रूट से बड़ा रूट, माइनस 4 से माइनस 4/3। तो के का ये इंटरवल आ गया, देख लो। रियल रूट के लिए ना के इज इक्वल टू 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना? यहाँ पे के इज इक्वल टू 5 रखे थे ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था, 19 माइनस के माइनस 5 का होल स्क्वायर आया था ना, ठीक है? तो तुमको अगर इसको मैक्सिमम करना है तो तुमको इसको मिनिमम करना पड़ेगा ना, और के तो इसके बीच में, तो इसको अगर मिनिमम करना है तो तुम के का क्या वैल्यू रखोगे कि ये मिनिमम आए, माइनस 4/3 रखोगे ना, है ना? तो बस रख दो 19 माइनस माइनस 4/3 माइनस 5, ठीक है? तो ये आ जाएगा 19 माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 19 स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है? तो अब 19 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 19/9 आ जाएगा। 19/9 है ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 24 होगा ना, सॉरी। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है? यहाँ पे आपके पास असली में के प्लस 5 आएगा, है ना? के माइनस 5 लिख दिया था गलती से, प्लस 5 आएगा, ठीक है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ गया। अब के को तुम क्या रखोगे कि ये मिनिमम आ जाए, क्या रखोगे कि ये मिनिमम आए, सोचो। माइनस 4 रखोगे तो मिनिमम आ जाएगा ना, तो बस माइनस 4 रख दो, तो 19 माइनस माइनस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है? नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंग टू, इसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इज 7, फाइंड अल्फा। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ए मतलब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा अपवर्ड फेसिंग। अब तुम्हें पता है जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो वर्टेक्स पे आकर करता है ना? वर्टेक्स पे अकर करता है, लेकिन इसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो अभी आपको पता नहीं है कि इसका वर्टेक्स कहाँ लाया करता है। हो सकता है यहाँ लाया कर जाए, अगर यहाँ लाया कर गया तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन माइनस इन्फिनिटी से 0 जो है, वो मिनिमम वैल्यू किस पे देगा, इस डोमेन में, यहाँ देगा ना? क्योंकि देखो ग्राफ घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो अगर वर्टेक्स पॉजिटिव साइड अगर अकर कर गया तो मिनिमम वैल्यू यहां अकर करेगा,
ये भी हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, मान लो ऐसा बन गया, तो तब इसका वैल्यू वर्टेक्स पे मतलब जो वर्टेक्स है उसका एब्सिसा अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन गया तो उसका मिनिमम वैल्यू यहाँ आकर कर जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वर्टेक्स एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, तो चेक करते हैं, इसका वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2 है, 1/α² + 1 कॉमा समथिंग आएगा, मुझे वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है उसका। अब तुम 1/α² + 1 देखो, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होता है, प्लस वन भी पॉजिटिव होगा, और जब डिवाइड करोगे ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये जो है ना ये चीज़ पॉजिटिव है, मतलब जो वर्टेक्स है ना वो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। तो ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा, वर्टेक्स कहीं यहाँ लाया करेगा। अब तुम माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो देखो कर्व का बिहेवियर, तो ऐसा है, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में मिनिमम वैल्यू कितने पे आ रहा है, एक्स इजिक्वल टू जीरो पे आ रहा है ना, तो बस एक्स इजिक्वल टू जीरो पुट कर दो और मिनिमम वैल्यू को 7 के बराबर कर दो। तो एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो α² + α+1 है। अब ये मिनिमम है इस डोमेन में, तो ये 7 के बराबर हो गया, तो α² + α-6 ये हो गया, तो α+3 और α-2, तो अल्फा आपके पास आ गया, अल्फा या तो -3 होगा या 2 होगा। ठीक है, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, नोट कर लो और प्रॉब्लम लेते हैं। अगला सवाल, लेट एफ एक्स इज दिस, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन 0 से इन्फिनिटी, अगेन डोमेन इसने काट दिया है, इज 2, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, एफ एक्स ये दे रखा है आपके पास, x²-4ax + a² + 5a + 2। नाउ वी नो दैट एफ एक्स मिनिमम, क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ना, ऐसा ग्राफ बनेगा, एफ एक्स मिनिमम विल ऑकर एट एक्स इज इक्वल टू वॉट, वर्टेक्स ना 2a, इसमें वर्टेक्स क्या है 2a है, तो एफ एक्स मिनिमम विल ऑकर एट एक्स इज इक्वल टू 2a इफ डोमेन इज आर, आर अगर डोमेन हुआ तब मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 2a पे लाया करेगा। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि जो वर्टेक्स है वो इस डोमेन में लाया करता है कि नहीं, ग्राफ ऐसा बन सकता है ना, मान लो ग्राफ ऐसा बन गया, तो ऐसा बन गया ग्राफ, मान लिया, तो अब अगर ऐसा ग्राफ बन गया आपको तो किस में देखना है, 0 से इन्फिनिटी में देखना है। मान लो वर्टेक्स कल को नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो गया वर्टेक्स, तो फिर तो आप नहीं कह सकते ना कि एफ एक्स मिनिमम विल ऑकर एट एक्स इज इक्वल टू 2a, है ना, क्योंकि आपको डोमेन 0 से इन्फिनिटी में देखना है। तो उस केस में एफ एक्स मिनिमम कितना होगा, एफ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, केसेस बनाता हूँ। अब केस वन, एक्स इज इक्वल टू 2a है ना, तो 2a इज नेगेटिव, मैंने एक केस बना लिया 2a इज नेगेटिव, मतलब वर्टेक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे है, तो ग्राफ उस केस में कुछ ऐसा बनेगा। एफ एक्स मिनिमम कितना होगा इस डोमेन में, एफ ऑफ जीरो होगा ना, क्योंकि देखो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, a² + 5a + 2, ये कितना दे रखा है आपके पास, 2 दे रखा है, मिनिमम वैल्यू 2 दी है ना यहाँ पे, ऐसे ये आ गया आपके पास, तो a-5 आ गया, तो a-5 एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि a नेगेटिव भी हमने माना है। केस टू, 2a जो है वो पॉजिटिव हो जाए 2a, तो 2a अगर पॉजिटिव हो गया, मतलब वर्टेक्स पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो इस केस में एफ एक्स मिनिमम कितना होगा, एफ ऑफ 2a होगा ना, तो एफ ऑफ 2a अब कंप्यूट करो कितना होता है, एफ ऑफ 2a रखो, 4a² -
एट ए स्क्वायर माइनस फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फाइव ए प्लस टू, माइनस थ्री प्लस फाइव ए प्लस टू बराबर टू दे रखा है, मिनिमम वैल्यू टू दी है ना उन्होंने सवाल में, देखो टू, तो वही टू से इक्वेट किया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइव माइनस थ्री है बराबर जीरो, तो ए आपका फाइव बाय थ्री आ जाएगा, और फाइव बाय थ्री एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ए पॉजिटिव माना ही है हमने, ठीक है। तो हमने ए इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए देख लिया, ए इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए देख लिया, ए इज इक्वल टू जीरो के लिए भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू जीरो, उस केस में ए जीरो के लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा, वर्टेक्स ये है, तो उस केस में जो है, उस केस में एफ एक्स क्या बन जाएगा, ए अगर जीरो है, ए जीरो है तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू है अगर ए जीरो है, और जीरो से इन्फिनिटी में इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू टू आ रहा है, तो एफ ऑफ जीरो अगर मैं ए ही रखूँ, टू ए बराबर जीरो, ये टू ए है ठीक है, तो टू ए जब मैं रखूँगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, तो ये टू ही आ रहा है ना, मतलब जीरो के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीरो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई है, कि एक माइनस पाँच आ गया, एक जीरो आ गया, एक फाइव बाय थ्री आ गया, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक है, नोट कर लो। ऐसा एक और सवाल करते हैं, अगला सवाल, लेट एफ एक्स इज दिस, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन जीरो से टू इज थ्री, फाइंड पी, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस टू। वर्टेक्स देखो इसका कहाँ है, माइनस बी बाय टू है, वर्टेक्स पी बाय टू, और कुछ वाई कोऑर्डिनेट आया होगा, मुझे उससे मतलब नहीं। अब इसके भी बहुत सारे मतलब केसेस बनेंगे, ये जीरो है ये टू है, अगर वर्टेक्स जीरो से टू के बीच में लाया कर गया, जीरो से टू के बीच में पी बाय टू लाया कर गया अगर, तो मिनिमम वैल्यू कितने पे आएगा, एक्स इज इक्वल टू पी बाय टू पे आ जाएगा, है ना। तो मैं केस वन इसी को बोलता हूँ, केस वन पी बाय टू बिलोंग्स टू ना, अपना जीरो से टू के बीच, ठीक है। तो यहाँ से पी किसके बीच में हो जाएगा, जीरो से फोर के बीच में, ठीक है। एफ एक्स मिनिमम इस केस में कितना आएगा, तुमको इतना ही ग्राफ देखना है, जीरो से टू में देखना है, जीरो से टू में मिनिमम कितने पे आ रहा है, एफ ऑफ पी बाय टू पे आ रहा है ना मिनिमम, तो एफ ऑफ पी बाय टू रखो, तो पी बाय टू रखोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, तो ये गया, है ना। रुको ढंग से ही लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस टू, तीन दे रखा है मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ये उड़ गया, है ना, और आपके पास आ गया पी का वैल्यू माइनस हाफ आ गया, तो पी माइनस हाफ रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने हमने पहले माना कि वर्टेक्स यहाँ लाए करेगा, ठीक है, फिर हमने उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू निकाली, सॉल्व किया तो पी का ये वैल्यू आया, लेकिन हमने तो पी को माना था कि जीरो से फोर के बीच में है ना, लेकिन वो तो नहीं आ रहा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सो दिस केस इज रिजेक्टेड, है ना, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है पॉसिबल। केस टू लेते हैं, अगर ग्राफ ऐसा बन गया, जीरो से टू में देख लिया ना, अब ऐसा देख लो, ऐसा ग्राफ बन गया अगर, यहां लाया कर गया अगर, तो तुम देखो अगर ग्राफ ऐसा बन गया, टू के बाहर चला गया वर्टेक्स, तो और तुमको जीरो से टू में देखना है, तो तुमको इतने ग्राफ से मतलब होना चाहिए, है ना, इतने ग्राफ से मतलब होना चाहिए। तो इस केस में
लिख लेता हूँ मैं केस टू पी बाय टू, जो कि वर्टेक्स है वो बिलोंग कर रहा है टू से इन्फिनिटी पे। इसका मतलब पी बिलोंग कर रहा है फोर से इन्फिनिटी पे। इस केस में एफ एक्स मिनिमम कितने पे आएगा? एफ टू पे आएगा ना, तो टू रख दो, तो टू 16, तो 16 माइनस 8p प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, ये 3 दे रखा है। पी स्क्वायर माइनस 10p ठीक है, और ये प्लस 15, इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है ना। यहाँ से p माइनस 5 आपके पास आ जाएगा √10 प्लस माइनस, तो p आपके पास आ जाएगा 5 प्लस √10 या 5 माइनस √10। अब देखो एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट ये वाली वैल्यू होगी, 5 प्लस √10 वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी क्योंकि वो इस इंटरवल में है। 5 माइनस √10 रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट क्यों? क्योंकि 5 माइनस √10 इस इंटरवल में नहीं है, तो पी की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 5 प्लस √10। ये केस हो गया। अब केस थ्री ले लेते हैं। केस थ्री, जब ग्राफ ऐसा बन जाए, जीरो था ये, टू था, ऐसा बन जाए ठीक है, इसमें वर्टेक्स यहाँ लाया कर गया, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव में, पी बाय टू इज लेस देन जीरो, पी बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो ठीक है। तो इस केस में एफ एक्स मिनिमम कितना आया? ध्यान रहे जीरो से टू में देखना है, इस पे आया एफ ऑफ जीरो पे, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना है? पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, ये कितना दे रखा है? 3 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 2, है ना, सही लिखा है ना। तो p माइनस 1 आपके पास आ गया प्लस माइनस √2, p आपके पास 1 प्लस √2 आ गया या 1 माइनस √2 आ गया। अब अगेन 1 प्लस √2 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इस इंटरवल में लाया नहीं करता, ये लाया करता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक वैल्यू 1 माइनस √2 आपका आ जाएगा ठीक है। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है, और आप देखें हमने सारे पी के वैल्यू कवर कर लिए। पहला केस मैंने 0 से 2 में लिया था, दूसरा केस मैंने 2 से इन्फिनिटी में लिया था, तीसरा केस माइनस इन्फिनिटी से 0 में लिया था। तो तुम देखो पूरी नंबर लाइन ही कवर हो गई है, तो हमने सारे केसेस ले लिए हैं ठीक है। तो ये आपके आंसर है, पी के दो वैल्यू आ गए ठीक है, नोट कर लो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं ठीक है, आखिरी प्रॉब्लम होगा आज का। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा दे रखा है ठीक है, ठीक है, इसका रेंज निकालना है आपको ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, साइन थीटा को एक्स मान लेता हूँ ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया? माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 बन गया है ना, इसको मैं मान लेता हूँ जी एक्स होगा कुछ, है ना। और ये ध्यान रहे कि एक्स जो है माइनस 1 से 1 के बीच में लाया करता है क्योंकि साइन थीटा है ना, साइन थीटा का वैल्यू ये होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स इसका आता है माइनस बी बाय टू ए, एक मिनट सही नोट किया ना, माइनस 2 sin² ठीक है। इसका वर्टेक्स आएगा माइनस 1/4 पे आएगा ना, कॉमा कुछ होगा ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा सब 1 पे कुछ रहा होगा, माइनस 1 मान लो, यहाँ पे मान लो कहीं रहा होगा है ना। और ये वर्टेक्स है माइनस 1/4,
तो तुम देखो, क्योंकि x माइनस वन से वन के बीच में ही है, तो आपको सिर्फ इतने ग्राफ से ही मतलब रहना चाहिए, जो मैं हेजिंग कर रहा हूँ ना, इतने से ही आपको मतलब होना चाहिए, क्योंकि x दे रखा है ना माइनस वन से वन, तो इतने ग्राफ का ही आपको काम है, इसमें ही देखना है आपको कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है। अब तुम खुद सोचो, क्योंकि वर्टेक्स माइनस वन और वन के बीच में ही लाया कर गया, तो जो जी एक्स मैक्सिमम है वो माइनस वन बाय फोर पर अकर कर जाएगा। तो जी एक्स मैक्सिमम जब तुम निकालोगे तो माइनस वन बाय फोर रखो, तो 1/16 माइनस 1/8 प्लस ये 1/4 हो गया है ना, प्लस 3 है ना, तो ये 1/8 प्लस 3 हो गया, ये 25। एक सेकेंड, 25/8 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 25/8। अब इस ग्राफ में देख के खुद बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मिनिमम वैल्यू या तो जी ऑफ वन होगा या जी ऑफ माइनस वन होगा, दोनों में से ना, क्योंकि ग्राफ वहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, दोनों में जो कम होगा वो मिनिमम वैल्यू। तो जी ऑफ वन मैं निकालता हूँ, जी ऑफ वन निकालो, 0 आ गया, और जी ऑफ माइनस वन निकालो, माइनस वन निकालो, माइनस टू प्लस वन प्लस 3, तो ये तो 2 आ गया, ज़्यादा आ गया, मतलब जी मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, 0 कम है ना, तो जी मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। तो जी एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से 25/8। जी एक्स तो यही था, तो इसका रेंज आ जाएगा 0 से 25/8। ठीक है, इतना नोट कर लो, और इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाय।